और नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। डिंपल यादव साल 2019 में कन्नौज लोकसभा से चुनाव हार गई थी, जबकि इससे पहले यहीं से वो 2012 में निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी सीट से डिंपल यादव का नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है। डिंपल यादव इसके पहले कन्नौज से सांसद थी और उसके बाद दो बार सांसद का चुनाव हार गई थी। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खेमे से अपर्णा यादव के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से इटावा जिले और मैनपुरी के बीच की जो सीट है, जहां से जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं और यहाँ पर इनकी समाजवादी पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, कि जिस तरीके से बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी लगातार उपचुनाव में समाजवादी के जो गढ़ रहे हैं, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, जहां भेदने में किला फतेह करते जा रही है, तो उसके बाद मैनपुरी सीट एक अहम सीट बन जाती है जिसको भेदने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव क्या अपने गढ़ मैनपुरी को बचा पाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से उपचुनाव की घोषणा कर दी है। डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगे। बातचीत करने के लिए संतोष यादव। मैनपुरी सीट से उपचुनाव में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को उतारा। जी हाँ, हमारी प्रत्याशी मैनपुरी से आदरणीय पूर्व सांसद डिंपल यादव जी हुई हैं। वहाँ की जनता और हम सभी लोग खुश हैं और हम लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे उस सीट को। गोरखपुर में शिवपाल यादव का जो बयान आया है उसके बाद समाजवादी को कितना लोग, प्रत्याशी हम लोग को आज मिल गई हैं और हम लोग जो है उनको जिताने के लिए पूरे कार्यकर्ता, जनता, नेता सभी लोग जा रहे हैं मैनपुरी चुनाव, यही हम लोग जो है उसी में ध्यान दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ संतोष यादव, जिन्होंने समाजवादी कार्यकर्ता और एमएलसी हैं, जिन्होंने सीधे साफ तौर बताया कि जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं सभी डिंपल यादव के मैनपुरी में चुनाव लड़ने से बेहद खुश हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ एमके न्यूज लखनऊ।